हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आज मध्य प्रदेश ने अपना राउंड वन का अलॉटमेंट पब्लिश कर दिया है नीट पीजी 2021 का। वैसे स्टूडेंट जो मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन किए थे, चॉइस फिलिंग किए थे, वो अपना जाके अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं मध्य प्रदेश के ऑफिशियल साइट पे। और साथ में हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का भी आज राउंड वन का अलॉटमेंट आया है। हिमाचल प्रदेश से जो बिलोंग करते हैं या हिमाचल प्रदेश के लिए जो काउंसलिंग किए हैं, चॉइस फिलिंग किए हैं, वो हिमाचल प्रदेश के अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं, क्या आपको सीट अलॉट हुआ या नहीं हुआ। 2-3 दिन के अंदर सभी स्टेट का लगभग अलॉटमेंट आ जाएगा। 2-3 दिन के अंदर सभी स्टेट का अलॉटमेंट आ जाएगा। आज उत्तराखंड ने भी अपना मेरिट लिस्ट पब्लिश कर दिया है। उत्तराखंड के साथ साथ बिहार का काउंसलिंग चल रहा है, यानी कि फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग चल रहा है, यानी कि वहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट को सीटें मिल चुकी है। तमिलनाडु का भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और पौंडीचेरी का अलॉटमेंट आ चुका है। ऐसे ही मतलब जितना भी स्टेट है ऑल ओवर इंडिया का, लगभग मैक्सिमम स्टेट का 1-2 दिन के अंदर अलॉटमेंट पब्लिश कर दी जाएगी, अलॉटमेंट आ जाएंगे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।